अमेरिकी बंदरगाहों पर जहाजों की यह लाइन कैसी है, भीड़ देखकर बाइडेन प्रशासन के हाथ पैर फूले। अमेरिका के बंदरगाहों पर जहाजों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। ये जहाज बंदरगाह पर माल उतारे जाने का इंतजार कर रहे हैं। जहाजों से माल न उतरने के कारण अमेरिका में कई चीजों की कमी होने का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में आयात करता है। दरअसल पिछले 3 दिनों से अमेरिका के डॉक वर्कर्स बंदरगाह पर काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल पर है। इसे अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में डॉक वर्कर्स की सबसे बड़ी हड़ताल बताया जा रहा है। इस हड़ताल के कारण बंदरगाहों पर माल उतरना बंद हो गया है और केले से लेकर ऑटो पार्ट्स तक हर चीज की कमी का खतरा पैदा हो गया है। इंटरनेशनल लॉन्गशोरमैन एसोसिएशन और नियोक्ताओं मालिकों के बीच कोई बातचीत नहीं हो सकी है। हालांकि व्हाइट हाउस के दबाव के बाद बंदरगाह मालिकों ने बुधवार को देर से संकेत दिया कि वे नई बातचीत के लिए तैयार है। ये कर्मचारी अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर है। एवरेस्ट स्ट्रीम एनालिटिक्स के अनुसार कम से कम 45 कंटेनर जहाज बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। इस हड़ताल के कारण पूर्वी तट और खाड़ी तट बंदरगाहों पर जहाजों की भारी भीड़ देखी गई है। रविवार को हड़ताल शुरू होने से पहले सिर्फ 3 कंटेनर शिप ही माल उतारे जाने का इंतजार कर रहे थे। एवरेस्ट स्ट्रीम की जेना सेंटोरो ने कहा, ऐसा लगता है कि कई लोगों ने हड़ताल की कार्रवाई के त्वरित समाधान की उम्मीद में इसे टालने का सक्रिय निर्णय लेने के बजाय प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते के अंत तक फंसे हुए जहाजों की संख्या 2 गुनी हो सकती है। उन्होंने बताया कि ऐसे ही जहाजों की संख्या बढ़ती रही तो इस भीड़ को कम करने में महीने का समय लग सकता है। एक विकल्प ये भी है कि पूर्वी तट पर खड़े जहाजों को अमेरिका के पश्चिमी तट के बंदरगाहों की ओर जाना होगा। इसके लिए संभवतः पनामा नहर का उपयोग करना होगा, जिससे हजारों मील की यात्रा लागत और बढ़ जाएगी और डिलीवरी के समय में भी इजाफा होगा। यूनाइटेड स्टेट्स मैरीटाइम अलायंस USMX नियुक्ता समूह के साथ एक नए 6 साल के अनुबंध के लिए वार्ता विफल होने के बाद इंटरनेशनल लॉन्गशोरमैन एसोसिएशन ने मंगलवार को हड़ताल शुरू कर दी। इसमें मेन से टेक्सास तक 45,000 बंदरगाह कर्मचारी शामिल है। इंटरनेशनल लॉन्गशोरमैन एसोसिएशन बंदरगाहों को ऑटोमेटिक बनाने की परियोजनाओं को रोकने और वेतन वृद्धि की मांग कर रहा है।